सभा में आ भी गए, पंडाल में बैठ भी गए, और अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं हुई, आप सुन नहीं पाएंगे, कुछ और सोचते रहे। इसलिए कथा किसने सुनी? कथा सुनी भगवान शिव ने, सती ने नहीं सुनी। सती ने क्या किया? अगस्त ऋषि की पत्नी से दोस्ती कर ली, लोपामुद्रा जी से। डिप्टी जगन्नाथ मंदिर के सत्संग भवन में नव दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। मथुरा से पधारे परम पूज्य संत श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा के अमृत रस वर्षा का रसापान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्री राम कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास परम संत श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज ने भगवान श्री राम की कथा का बड़ा ही मनोरम और सुंदर भव सागर को दर्शाते हुए सागर का महत्व बताया। श्री राम कथा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की चरण पादुका सेवार्थ श्री महाशक्ति मंदिर उत्थान समिति द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो कि दूसरे दिवस भी जारी रही। वहीं कान्हा गौ सेवा मिलन विहार द्वारा स्टॉल लगाया गया, जहां कान्हा गौ सेवा केंद्र में तैयार सामग्री को राम कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, विपिन गुप्ता, सर्वेश सिंह, अवधेश सुनील, साथ ही सम्राट सिंह, राजेश, सूर्य आदि लोग मौजूद रहे।